सवाल पूछते हैं पीकेटी नामब्यार, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बीजेपी का समर्थन करते हैं, प्रमोद स्वामी आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मनोज कक्का प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं कि किसी को पद पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ पद के लिए अगर पॉलिटिक्स जो राजनीति करते हैं वैसे नेता को देश का जनता को हटाना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर सिर्फ पॉलिटिक्स सिर्फ पद के लिए है तो अच्छा पॉलिटिशियन तो कभी हो ही नहीं सकता। जहां तक नैतिकता का बात हो रहा है कि आपको एक चीज समझ लेना कि गृह मंत्री होने के बावजूद उनका बेटा आज की डेट में जेल में है, इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर कानून व्यवस्था अभी भी है। भले ही अगर आप बड़े से बड़े नेता का बेटा हो या मंत्री का बेटा हो, नहीं सर, इस देश के अंदर का कानून उसको अंदर रखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये बात आपकी पूरी तरीके से सही नहीं है। मैं देख रहा हूं कल से एक प्रयास चल रहा है अपनी पीठ थपथपाने का कि देखो हमने कितना कमाल का काम कर दिया कि इतना बड़ा आदमी जो है वो भी अदालत के चक्कर काट रहा है। ये अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता तो हम नहीं जानते क्या होता। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी है। संकेत जी, देश के अंदर पुलिस है, कोर्ट है, मीडिया है, ऐसे अलग अलग व्यवस्था आज से नहीं है, पिछले 70 साल से बना हुआ है। तो इसलिए कभी किसी कोई भी एजेंसी कोई चीज कमजोर हो जाते है तो दूसरा उठ के आ जाते हैं। नहीं मैं, अभी क्या है कि अभी हमारे पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि हम पीठ थपथपाने लगे। इमीडिएटली आपको मेरा सवाल आपसे नामजारी एक अपने दर्शकों के लिए आप बात घुमा। एक मंत्री के बेटा अगर पिछले 2 महीने से अगर जेल के अंदर है, अरे जेल में क्या वो प्रसाद देने गया भाई? सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन पे गया है, ऊपर जेल में भेजा गया उसको जबरदस्ती पूरी बेशर्मी के बाद 10 दिन तक कहां नेपाल गया था अरेस्ट करके उसको अंदर लेके गया है। नहीं नहीं आप मुझे केवल ये बता दीजिए पत्रकार महोदय, आप इतना क्यों उसको बचाने में लगे हुए हैं? क्या जल्दी क्या है, इतना जल्दी क्या है कि अजय मिश्रा जी ने अगर कोई गलत काम किया तो उसको जल्दी तो केवल आप लोगों को ये जल्दी क्यों है जब एसआईटी ने और किसी की कोई जरूरत कोर्ट ने बनाया हाई प्रोफाइल केस है, एक मैसेज बनेगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर। एक मैसेज क्या है, एक मंत्री जो है वो मेरा सवाल आपसे ये है कि जनता की अदालत में अभी पार्टी जाने वाली है, ठीक है? जनता के बीच में छवि क्या जा रही है कि मंत्री जी जो हैं वो तब धमकी देते थे, अब धमकी दे रहे हैं, उनका उनका धमकी देना तो अब टेप पर है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि ये पार्टी के लिए एम्बैरेसमेंट है? वो कितने बड़े एम्बैरेसमेंट बन रहे हैं पार्टी के लिए। एक जिस तरह का व्यवहार उन्होंने मीडिया वालों के साथ किया है और जिस तरह का लेवल पे इसको पहुंचा दिया, जरूर ये पार्टी के लिए भी और एक हर पॉलिटिशियंस के लिए भी ये नाम खराब करने वाली बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नैतिकता के ऊपर जाओगे तो कोई भी, ये देश ऐसे भी है जहां पे एक गाड़ी के एक्सीडेंट हो गया तो मिनिस्टर रिजाइन किया हुआ चरित्र भी इस देश में है। लेकिन ये सब हर इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम उनको कल्प्रिट बनाने का एक तरह से हम जल्दीबाजी दिखा रहे हैं। बात अगर वो गलत होगा की हो तो रही जाएगा, अगर वो गलत क्या नहीं किस है, किस्म का उदाहरण जनता के सामने रखना चाह रहे हैं उनके खिलाफ जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। वायलेशन भी हम कर रहे हैं।